अगर आप भी खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो एकादशी की महिमा आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है। इस सृष्टि के पालनहार हैं भगवान विष्णु, सृष्टि के कर्ता धर्ता भी वही हैं। तो जब भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का दिन हो, आप धन संतान और पाप नाश के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे होगा ये देखिए। एकादशी भगवान श्री हरि को प्रिय है, उसमें भी रमा एकादशी की महिमा अपरंपार है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। ज्योतिषी मानते हैं कि रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से धन धान्य से जुड़ी हर समस्या दूर होती है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से मिलता है आपको धन ही धन, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। रमा एकादशी माता लक्ष्मी और विष्णु से संबंधित है, तो इनमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संयुक्त आशीर्वाद रमा एकादशी के व्रत करने से मिलता है, यह इसका विशेष महत्व है। माँ लक्ष्मी का इस एकादशी से संबंध होने के कारण इस एकादशी को करने के फल स्वरूप आपको जीवन में धन प्राप्ति की सुगमता का वरदान भी मिलता है। पर अगर आपको जीवन में धन की कमी सता रही है तो रमा एकादशी पर करें धन प्राप्ति का विशेष प्रयोग। तो रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के साथ लक्ष्मी जी का कोई मंत्र ओम श्रीम श्री नमः, यह दोनों मंत्र का संयुक्त रूप से यदि आप जाप करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो निश्चित ही आपके धन में, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। धन प्राप्ति का प्रयोग, भगवान कृष्ण के समक्ष बैठें, उनको गोपी चंदन अर्पित करें, इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। रमा एकादशी को पाप नाश की एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु की उपासना करने से इस दिन बड़े से बड़े पापों का नाश हो सकता है। सृष्टि के पालनहार की उपासना अपने आप में सर्व कल्याणकारी है। रमा एकादशी पर पूजा के लिए संध्या काल दीपदान करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। रात के समय जागरण या कीर्तन भी करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन पूजा करने के बाद भगवान विष्णु का पूरे दिन मन में स्मरण करना चाहिए और संध्या होने के बाद दीप जलाना चाहिए, उनका आरती करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन पूरे परिवार के सदस्य के साथ करना चाहिए। इस तरह से यदि रमा एकादशी का व्रत किया जाए तो उनका जीवन धन हो जाएगा, उनका भाग्योदय हो जाएगा। रमा एकादशी की महिमा को लेकर कई कथाएं हैं। हर कथा का मर्म यही है कि इस पावन तिथि पर सच्चे मन से किए गए व्रत और पूजा से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, पाप का नाश होता है, सद्बुद्धि मिलती है, धन धान्य मिलता है। रमा एकादशी से जुड़े वो कौन से अलौकिक उपाय हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे, आगे जानिए।